लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर जबरदस्त वोटिंग के बाद बताएंगे आपको दोस्तों किस तरीके से रुझान आने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निर्दलीय ने समर्थन वापस ले लिया है, बीजेपी अल्पमत में आ गई है, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। तीसरे चरण के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ताबड़तोड़ कई सारे फैसले लिए और बीजेपी के नफरती और घटिया पोस्ट को हटाने के लिए कहा है दोस्तों, बताएंगे और भी क्या कार्रवाई की गई है। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी पर फिर से राहुल गांधी ने निशाना साधा और इंडिया गठबंधन की सारी पॉलिटिकल पार्टी को खड़गे ने लिखा है लेटर, बताएंगे लेटर कौन सी बात कही गई है दोस्तों। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल को किसी भी वक्त मिल सकती है जमानत, बताएंगे कोर्ट की टिप्पणी के बाद हो रही है चर्चा। और तीसरे चरण के चुनाव के दौरान मुस्लिम मतदाताओं को परेशान करने के गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कार्रवाई की मांग की जा रही है और ईवीएम को जलाए जाने की एक बड़ी अपडेट है, बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। साथ साथ जगदीप धनखड़ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं राज्यपाल, टीएमसी ने फिर से राज्यपाल को निशाने पर लिया है। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिससे जोरदार बवाल होना तय है। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तीसरे चरण के चुनाव के साथ ही ये खबर आना कि बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई है ये साफ तौर पर भाजपा के लिए चुनाव के रुझान है, और अगर आप भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जल्दी और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों देश के अंदर चुनाव के तीसरे चरण के होने के बाद अब बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से करारा झटका दिया गया है दोस्तों। कर्नाटक बीजेपी की ओर से नफरती पोस्ट और घटिया पोस्ट शेयर किया गया था, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इसकी शिकायत की थी दोस्तों। नोडल ऑफिसर को सूचना देते हुए कहा गया है कि हम इस बात का आदेश देते हैं कि बीजेपी फॉर कर्नाटक जैसा मेंशन है उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और FIR की कॉपी भी हमारे पास पहुंच गई है, तत्काल इस पोस्ट को डिलीट करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कहा है कि वो इमीडिएटली इस पूरे पोस्ट को डिलीट करे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ FIR भी लिखी गई है, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर तीसरे चरण के चुनाव के लगभग समाप्त होते ही ये जानकारी सामने आई, जिसे लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे दोस्तों। सुहास पालसीकर बोले, कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो बोल्ड डिसीजन लिया है क्या वाकई साहस दिखाकर कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के अंदर लास्ट फेज का इलेक्शन बीते दिन था, यानी तीसरे चरण में चुनाव के बाद अब कर्नाटक की सारी सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक इकाई की ओर से जो वीडियो शेयर किया गया था वो 4 से 5 दिन पहले शेयर किया गया था, और कर्नाटक में तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब पूरे सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, तो उसके बाद ये कार्रवाई करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किस तरीके के साहस को दिखाता है, ये सवाल सुहास पासीकर ने पूछा है दोस्तों। वो कहते हैं कि ये तो ऐसा ही हो गया जैसे अस्तबल से घोड़ा भाग गया हो और उसके बाद अस्तबल को लॉक किया गया हो कि घोड़ा भाग ना जाए, यानी दोस्तों जब चुनाव हो चुके हैं कर्नाटक के अंदर तो फिर कार्रवाई करके फायदा ही क्या है, चुनाव के दौरान ही वोटरों को प्रभावित करने के लिए बेतुके जिसे कहा जा सकता है नफरती और घटिया पोस्ट शेयर किया गया था, तो कार्रवाई भी तभी की जानी चाहिए थी। वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले सकता है, वो सोशल मीडिया भी देखते हैं, लेकिन कार्रवाई इतना लेट किए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठने पूरी तरीके से तय है। क्या सुहास पासीकर किस बात का आप समर्थन करते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तीसरे चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद जयराम रमेश बोले, कहा आज चुनाव का तीसरा चरण समाप्त होने के साथ अब तक 283 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं, अब तक के ट्रेंड के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा दक्षिण में साफ उत्तर में हाफ होने जा रही है, नतीजा प्रधानमंत्री के चेहरे पर घबराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है, वह अपने भाषणों में और भी ज्यादा हताश और निराश नजर आ रहे हैं, वह झूठ की महामारी फैला रहे हैं और अपने चुनावी अभियान के लिए केवल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर ध्यान भटकाने पर बदनाम करने पर भरोसा कर रहे हैं। तीसरी बात यह कि दरअसल इस चुनाव में प्रधानमंत्री और बीजेपी का कोई सकारात्मक प्रचार नहीं है, मोदी की गारंटी जिसे प्रधानमंत्री ने लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकारी धन का भरपूर दुरुपयोग किया को चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, 400 पार का नारा खत्म हो गया है, उनके फोटो फेस्टो का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बीजेपी का अभियान पूरी तरीके से सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफरत पर निर्भर है जिसमें धर्म और धार्मिक प्रतीकों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी का सकारात्मक अभियान मजबूती और पूरी तरह से सशक्त रहा है, यहां तक कि हमने बीजेपी के चुनाव अभियान को भी हाईजैक कर लिया है, हमारा न्याय पत्र उनके प्रचार अभियान का केंद्र बन गया है, वे हताशा में और जो डर फैला रहे हैं उसकी वजह से हमारी गारंटी का इम्पैक्ट है। उम्मीद है कि भारत का चुनाव आयोग बिना किसी देरी के तीसरे चरण के अंतिम मतदान प्रतिशत का आंकड़ा जारी करेगा, जैसे पहले चरण में 11 दिन और दूसरे चरण में 4 दिन लगे वैसे इस बार नहीं होगा, हमें उम्मीद है कि उसी प्रारूप में होगा जिससे पिछले वर्षों के अंदर हुआ करता था, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक लोकसभा के लिए वोटों की संख्या और पंजीकृत मतदाताओं को अलग अलग संख्या के साथ इंडिया गठबंधन के लिए अंडर करेंट NDA को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 4 जून आ रहा है, बदलेगा भारत जीतेगा इंडिया। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो आदिवासियों के जल जंगल जमीन को उद्योगपतियों के हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में अगर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का कोई अचीवमेंट है तो वो ये कि उन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी करोड़ों लखपति बनाने वाली है। लखपति महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा वादा किया है दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं
और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया अलायंस के घटक दलों के नेताओं को पत्र लिखते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। खड़गे ने पत्र में कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इस बार बेहद कम हो गई है। खड़गे ने अपने पत्र में इंडिया के नेताओं से आग्रह किया है कि वो ऐसी विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाए और हमारा एकमात्र उद्देश्य है एक जीवंत लोकतंत्र की संस्कृति और संविधान की रक्षा करना। उन्होंने पत्र में कहा कि हमें भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए और इसे जवाबदेही बनाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के तौर पर लोकतंत्र की रक्षा करना, निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र कार्य प्रणाली में रक्षा करना हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। उपरोक्त सभी तथ्य हमें यह प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या अंतिम परिणामों में गड़बड़ी करने का प्रयास तो नहीं है। साथ साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कई सारी ऐसी टिप्पणी की है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि केजरीवाल को जल्द जेल से छोड़ दिया जाएगा, जमानत पर भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, केजरीवाल सीएम है, ये चुनाव का समय है, केजरीवाल के खिलाफ कोई केस नहीं है। 5 साल के बाद देश में चुनाव हो रहे हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की शिकायत की, संजय सिंह अपनी जमानत का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है और केजरीवाल सीएम है, ये चुनाव का समय है, संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कुछ शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जेल से छोड़ दिया जाए। साथ साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे चरण के चुनाव के साथ ही अल्पमत में आ गई है। दोस्तों, हरियाणा के अंदर लगभग 6 महीने के बाद अब से चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने जा रही है। दोस्तों, अल्पमत में आ गई है भाजपा की सरकार। हरियाणा में बीजेपी की सरकार निर्दलियों के सहारे चल रही थी। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद अब बीजेपी का आंकड़ा 42 है जबकि 45 की बीजेपी को रिक्वायरमेंट है। तो कह सकते हैं कि भाजपा अल्पमत में है। दोस्तों, तो अब राष्ट्रपति को अल्पमत की सरकार पर बैन लगाना चाहिए, रोक लगानी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज के चुनाव के दौरान मंगलवार को एक्टर शेखर सुमन और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े और प्रवक्ता अनिल बलूनी की मौजूदगी में दोनों को सदस्यता दिलवाई गई है। शेखर सुमन बिहार की पटना साहिब सीट से बीजेपी के सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2009 में चुनाव लड़ चुके हैं। शेखर सुमन ने कहा कि मुझे कल तक नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा, भगवान का आदेश आया और मैं आज बीजेपी में शामिल हो गया। हो सकता है उनके ऊपर भी कोई केस चल रहा हो ईडी का। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को जो वोट डाले गए, 93 सीटों पर वोट डाले गए। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक बार फिर से कई सारे ट्वीट किए हैं और कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, कई सबूत भी पेश किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में वोटिंग को लेकर पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि संभल के अंदर मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। सपा ने लिखा कि संभल में बूथ संख्या 11 पर पुलिस द्वारा मुस्लिम मतदाताओं को उनका पहचान पत्र छीन कर वोट डालने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग ने संज्ञान लेने के लिए प्रयास करने चाहिए, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संभल के अलावा समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट को लेकर, बदायूं, आंवला और आगरा की सीट को लेकर भी जानकारी दी है। बताया है कि तमाम मुस्लिम इलाकों के अंदर जानबूझकर उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक और बड़ी जानकारी यह है कि बिहार के झंझारपुर में वोटिंग के दौरान बूथ संख्या 265 पर लोगों ने मतदान रोका। ऐसा इसलिए क्योंकि ईवीएम के सीरियल नंबर उल्टा होने को लेकर विरोध हो रहा था। इस तरीके के कई और मामले भी सामने आए हैं। साथ साथ पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल के बीच में जुबानी जंग और ज्यादा तीखी दिखाई दे रही है। एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल पर निशाना साधा है। टीएमसी के नेता शांतनु सेन ने कहा कि बीजेपी को खुश करने के लिए यहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दरअसल बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी पर ओक्सी राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके इसी आरोपों के जवाब में टीएमसी ने पलटवार किया है। टीएमसी के नेता शांतनु सेन ने कहा कि राज्यपाल बीजेपी को खुश करने के लिए जगदीप धनखड़ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बीजेपी को खुश करके जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बने, राज्यपाल भी बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बंगाल के सीएम के खिलाफ काम कर रहे हैं। राज्यपाल दादागिरी की बात करते हैं लेकिन खुद राज्यपाल पोडो पॉल यानी कमल बन गए हैं। साथ साथ दोस्तों, हरियाणा की नायब सरकार को तगड़ा झटका लगा। विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले पर बड़ी जानकारी दी है। कांग्रेस ने बताया है खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ये तीनों निर्दलीय विधायक मौजूद है जिन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। क्या अब कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दावा भी करेगी? आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जननायक जनता पार्टी के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ धर्मनिरपेक्ष सरकार लानी है तो इन्हें मतदान करिए। लोकसभा चुनाव के रण में कई जगह से कई सारी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, जमात ए तंजीम द्वारा पुणे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के मतदाता उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया जमीते उलेमाए हिंद पुणे शहर और जिला की ओर से कौसर बाग में 2 मई की शाम को ऐलान लोकसभा चुनाव नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मौलाना साजाद नोमानी ने उपस्थित लोगों से यह गुजारिश करते हुए कहा कि मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी भी है, इसलिए बड़ी संख्या में वोट करिए और इसके बाद लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन एनसीपी पार्टी के जुड़े प्रत्याशी सुप्रिया सुले और सिरूर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अमोल कोल्हे का समर्थन करने की मांग की गई है। कुल मिलाकर 200 भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को समर्थन की मांग की गई है। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी निशाना साधा है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी को प्रज्वल रेवन्ना के साथ नाचता हुआ
दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के नाचते हुए वीडियो को शेयर किया गया था, तो कोलकाता पुलिस की ओर से धमकी दी गई थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी का एक नाचते हुए वीडियो शेयर किया गया, तो नरेंद्र मोदी कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे अच्छा लगता है इस तरीके के मीम्स को देखकर। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने भी वो वीडियो शेयर किया है। इसमें प्रज्वल रेवन्ना प्रधानमंत्री मोदी को नाचता हुआ दिखाया जा रहा है। सांसद पवन खेड़ा बोले, कहा जिसमें 400 पार का विश्वास हो वह उम्मीदवारों को डरा धमकाकर चुनाव लड़ने नहीं दे रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। बीजेपी के लोग संविधान बदलने के लिए आतुर हैं। इनके कई मंत्रियों ने कह दिया जैसे ही चुनाव होगा वैसे ही संविधान बदलेंगे। जब साहेब को आम गुठली जैसे इंटरव्यू से फुर्सत मिल जाए तो पूछिएगा, अगर अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त है तो क्यों गांधीनगर जैसी सीट पर 16 उम्मीदवारों को डरा धमकाकर नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। ये कई सारे सवाल है जो इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन एक भी इंटरव्यू में उस तरीके सवाल नहीं पूछे जा रहे। एकदम पारिवारिक माहौल दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने हिसाब से जवाब देने का पूरा मौका दिया जा रहा है, कोई काउंटर सवाल नहीं किए जा रहे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों ये जो इंटरव्यू आजकल चल रहे हैं खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के नेताओं के, इन इंटरव्यू के अंदर कोई कड़े सवाल नहीं पूछे जा रहे जिसका जवाब देने में प्रधानमंत्री अनकंफर्टेबल हो, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही सुप्रिया सुले ने वोट डालने के बाद मंगलवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार के घर पर जाकर उनकी मां से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया है। पवार परिवार के गृह क्षेत्र बारामती से चौथी बार चुनाव लड़ रही सुले का मुकाबला उनके चचेरे भाई अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। इस सीट पर मतदान मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और जमकर वोट डाले गए। दोस्तों हालांकि अजित पवार कह रहे हैं कि उनकी मां का आशीर्वाद उनके ऊपर है, यानी उनकी पत्नी को चुनाव जितवाने के लिए अजित पवार का परिवार जुटा हुआ है। साथ साथ हरियाणा के हिसार में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी नैना चौटाला का मंगलवार को गांव सुलखनी में एक कार्यक्रम था, किसानों को इसकी भनक लग गई और पहले ही कार्यक्रम स्थल पर जम गए। इसके बाद जननायक जनता के पार्टी के प्रत्याशी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। किसानों से जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने बात भी की, लेकिन किसान नैना चौटाला से सवाल पूछे बिना वहां से हटने को राजी नहीं हुए। बरवाला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार सुलखनी गांव में मंगलवार को जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी नैना चौटाला की चुनावी सभा रखी गई थी। इसका पता चलते ही पगड़ी संभाल जट्टा यूनियन के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। जननायक जनता पार्टी के वर्कर मौके पर पहुंच और सुलखनी इकाई के प्रधान नरेश लोहान भी किसानों से बातचीत करने लगे। कुल मिलाकर दोस्तों जोरदार तरीके से कई सारे लोगों का विरोध किया जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी से जुड़े लोगों का खासकर विरोध किया जा रहा है। साथ साथ मोगा के रतिया में किसान यूनियन एकता उग्रह की ओर से क्षेत्र फरीदकोट से बीजेपी के उम्मीदवार हंसराज हंस को काला झंडा दिखाकर जमकर विरोध किया गया, नारेबाजी की गई। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था। वहीं जानकारी देते हुए किसान अगू बलोर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसानों के साथ धोखा किया गया है, जिसके चलते अभी भी किसान वीर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसानों में एक किसान वीर की जान भी चली गई है। बीजेपी का हमने बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हर जगह विरोध किया जा रहा है। मोगा में बीजेपी के उम्मीदवार हंसराज हंस का एक बार फिर से विरोध की जानकारी है। साथ साथ दोस्तों संविधान बदलने को लेकर भाजपा नेताओं के बयानों में कोई भी कमी देखी नहीं जा रही है। एनआई से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि संविधान में जो बदलाव आएंगे वो आएंगे ही, पहले भी तो संविधान में बदलाव हुआ है। हमारी सरकार ने 370 का बड़ा फैसला लिया, ऐसे फैसले आगे भी लेते रहेंगे। ये सारे फैसले हमारे देश को आगे ले जाने के लिए है और ये बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों संविधान में जो बदलाव आएंगे वो आएंगे ही, इस तरीके की बातें करना ही अपने आप में साफ तौर पर संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं पहले से बता दिया गया है कि 370 सीटें इसलिए टारगेट की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा संविधान में बदलाव किए जा सके। और ये खुलकर बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जब संविधान में बदलाव किए जाएंगे तो फिर बीजेपी के लोग कहेंगे कि हमने पहले ही कहा था, हमारे नेता पहले ही कह रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री मंचों से कह रहे हैं कि संविधान को नहीं बदला जाएगा, एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिए जा रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द निर्णय लिया जाएगा। साथ साथ 293 सीटों पर मतदान में इंडिया गठबंधन को 63+ सीटों पर जबरदस्त बढ़त मिल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता ने यह दावा किया है, नई सरकार देशवासियों की होगी जिसमें 30 लाख सरकारी रोजगार 100 दिनों में दिए जाएंगे, सभी माताओं बहनों को 8,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। मोदी बीजेपी के ताबूत में जनता ने आखिरी कील ठोक दी है, इस तरीके समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएं। साथ साथ संविधान के लिए उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना दल सोनेलाल पटेल के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। अपना दल सोनेलाल चीफ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के अनुमोदन के बाद 96 से विधायक प्रत्याशी रिंकी कॉल को प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में अपना दल शामिल है, उसे मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट दी गई है। मिर्जापुर सीट से अपना दल चीफ अनुप्रिया पटेल खुद चुनावी मैदान में उतरी हुई है। अपना दल एस ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज दोनों सीट पर महिला प्रत्याशी मैदान में उतारा है। रिंकी कॉल रॉबर्ट्सगंज से वर्तमान सांसद पकौड़ीलाल कॉल की बहू है और इसके बाद उन्होंने खुद को भी मैदान में उतारा है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी इस बार 2 में से कितनी सीटें जीत पाते हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल स्कूल सेवा आयोग के करीब 25,000 नीतियों को रद्द करने के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की है। इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के
अनुसार चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार से पूछा कि उसने एक्स्ट्रा पद क्यों बनाए और वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को नियुक्त क्यों किया, जबकि चयन प्रक्रिया को ही कोर्ट में चुनौती दी गई है। शिक्षक और बच्चों के अनुपात में ही जबरदस्त गड़बड़ हुई है। साथ दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने काटेवाड़ी में अपने मताधिकार का उपयोग किया है। अजीत पवार अपनी माँ और पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे। मतदान के बाद टीवी से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा कि मेरी माँ मेरे साथ में है। उन्होंने ये डायलॉग फिल्म से दिया है, यानी जो अमिताभ बच्चन की फिल्म है वैसी डायलॉग बाजी करते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों नामांकन के दिन कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। सीएम सुक्खू ने थामा है प्रचार का कमान। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा इन दिनों काफी हाई है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश में नामांकन के दिन कांग्रेस अपने शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। इसके लिए खुद सीएम सुक्खू ने अपने हाथ में प्रचार की जिम्मेदारी संभाल ली है। लोकसभा में सभी प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे। साथ साथ दोस्तों पार्टी के अन्य नेताओं को भी सपोर्ट करेंगे जो उपचुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को लोकसभा चुनाव के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला दोस्तों, जिस पर अब सोशल मीडिया पर अलग तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार माढ़ा लोकसभा सीट के संगोला विधानसभा क्षेत्र के बादलवाड़ी में एक मतदाता ने ईवीएम और वीवीपैट में आग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद अधिकारियों ने फौरन आग पर काबू पा लिया, साथ ही अधिकारियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। जिला अधिकारी ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट व कंट्रोल यूनिट सुरक्षित है और वोट खराब नहीं हुआ है। आगे के मतदान के लिए नए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन ईवीएम के वोट और वीवीपैट वोट में मिलान होगा। ईवीएम में लगी आग की सही वजह अभी सामने नहीं आई है। घटना दोपहर 3 बजे का है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई दोस्तों। इससे पहले भी ईवीएम तोड़े जाने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई थी। साथ साथ आपको बता दें कि भाजपा के पोलिंग बूथ प्रतिनिधि बूथ के अंदर कमल के निशान पर बीजेपी के नेता के फोटो वाले पेन इस्तेमाल कर रहे थे। गुजरात कांग्रेस की ओर से तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर संज्ञान नहीं लेते हैं, चुनाव आयोग आप तुरंत संज्ञान लेकर कड़े कदम उठाइए। यानी दोस्तों पोलिंग बूथ के अंदर ये कैसे चला गया, ये पेन कैसे चला गया जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता का प्रचार है, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव के 4th चरण में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं सोचा होगा कि देश में कोई उनको देशद्रोही कहेगा, ये टिप्पणी की है। कांग्रेस पार्टी महासचिव ने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे तमाम महापुरुषों ने आंदोलन किया ताकि जनता के अधिकार मजबूत हो। वे सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसी सरकार आ जाएगी जो उन्हीं को देशद्रोही कहेगी। प्रियंका गांधी ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर किसानों को सहयोग नहीं किए जाने को लेकर भी निशाना साधा है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के मुरैना संसदीय क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवारों को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। तीनों उम्मीदवारों को पुलिस लाइन में भेजा गया है। राज्य में लोकसभा की 9 सीटों पर तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। इसमें एक सीट मुरैना की है जो कड़े मुकाबले वाली मानी जा रही है। वहीं पर बीजेपी ने शिव मंगल सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है तो उनके सामने कांग्रेस ने सत्यपाल सिंह सिकरवार को मैदान में उतारा है। बीएसपी से रमेश गर्ग मैदान में है, उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इसके साथ में दोस्तों महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी 35 से 38 सीटें जीतेगी। राजीव शुक्ला महाराष्ट्र में मौजूद है जहां पर उन्होंने यह दावा किया है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो राम मंदिर और वोट जिहाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं पर भी वोट जिहाद का जिक्र नहीं है, लेकिन बीजेपी पता नहीं यह सब कहां से ले आई है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पहले लगातार 400 पार के नारे लगा रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी की सभाओं से ये नारे गायब हो गए हैं। राजीव शुक्ला ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आरक्षण पर दिए गए बयानों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने लालू यादव हमेशा अल्पसंख्यक की बात करते हैं, ये टिप्पणी की है। जहां तक मुस्लिम आरक्षण की बात है तो बीजेपी पिछले 10 सालों से ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण तो दे ही रही है। कुल मिलाकर दोस्तों जो सवाल विपक्ष में खड़े किए जा रहे हैं वो सवाल भाजपा पर है। केंद्र सरकार के ओबीसी लिस्ट में उसी समाज के लोगों का नाम भी है, उनको क्लास के हिसाब से आरक्षण मिलता है, लेकिन भटकाने के लिए इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी आरक्षण देगी। साथ साथ सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की कई बार की मुख्यमंत्री मायावती का एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की है। वीडियो में मायावती को कहते हुए सुना जा रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको फ्री में राशन दिया है, तो आप ये जो कर्ज है वो चुनाव में आपको अदा करना है वोट के रूप में। बीजेपी को वोट देकर आपको ये जो कर्ज है वो चुनाव में अदा करना है। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन जब इस पर जांच की गई, पड़ताल की गई, तो पता चला कि ये वीडियो तो फेक है। डी फेक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है मायावती के वोटरों को प्रभावित करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा में जो निर्दलीय लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है, बीजेपी से सपोर्ट वापस लिया है, उसमें से विधायक सोमवीर सांगवान है जो चरखी दादरी से विधायक है, रणधीर गोलन है जो पुंडरी से विधायक है, विधायक धर्मपाल गोदर है जो नीलोखेड़ी से है। जन भावनाओं को ध्यान में रखकर सही समय पर लिया गया सही फैसला रंग जरूर लेकर आएगा। आज जनता ही नहीं बीजेपी को वोट देने वाले और उनके समर्थक देने वाले लोग भी अब बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं। जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बीजेपी को जमकर अपने निशाने पर लिया है दोस्तों। साथ साथ तीसरे चरण के चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके की जानकारियां सामने आ रही है। अखिलेश यादव
ने कहा कि तीन चरणों ने बीजेपी को इतिहास बना दिया है। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन के समर्थन में हुई जबरदस्त वोटिंग ने ये साबित कर दिया है कि भाजपा कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन जनता फिर भी वोट डालकर आएगी और बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर आएगी। सत्ता पक्ष तभी वोटिंग में अड़ंगा डालता है जब वो हार रहा होता है। बीजेपी जितने व्यवधान पैदा कर ले, उसने जनता में ये संदेश चला गया है कि बीजेपी हार रही है। ऐसे करने से तीन चरणों में जनता ने बीजेपी को 3 दशक को मतलब 30 साल के लिए देश की राजनीति से बाहर कर दिया है। कुल 7 चरणों में बीजेपी 70 साल के लिए देश से बाहर हो जाएगी, देश की राजनीति में दिखाई नहीं देगी। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। मास्टर लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।